चला जब एक्ट्रेस के परिवार वालों ने पति और डायरेक्टर प्रकाश अल्बेला के खिलाफ शिकायत की। पुलिस की माने ये है ईशा आलिया, झारखंड की एक फेमस एक्टर एंड अ ब्यूटीफुल डांसर। ये अपने फिल्म प्रोड्यूसर हस्बैंड प्रकाश के साथ रांची से कोलकाता जा रहे थे, साथ में इसकी 3 साल की बेटी भी थी। घर से निकलते वक्त ईशा को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि 28 दिसंबर 2022 को इसके साथ क्या होने वाला है। ईशा अपनी डेस्टिनेशन से 50 किलोमीटर दूर ही थी, तभी कुछ लोग गाड़ी को घेर कर ईशा पर गोली चलाई। पुलिस का शक ईशा के पति प्रकाश पे है एंड पुलिस का ये भी बोलना है कि ईशा का मौत का प्लान फेसबुक पे बनाया गया था। वहीं पे प्रकाश का बोलना था कि उन गुंडों ने मेरी वाइफ की जान ली है, लेकिन आप जब इस मौत का असली रीजन जानोगे तब आप भी दंग रह जाओगे। वैसे सही कौन था, पुलिस या प्रकाश? चलो जानते हैं इस केस को। ईशा आलिया का असली नाम रिया कुमारी था। ईशा आलिया उसका स्क्रीन नेम था, मतलब पर्दे पर वो ईशा आलिया के नाम जाना जाती थी एंड निजी जिंदगी में रिया कुमारी के नाम से। इस केस में मैं रिया नाम ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हूँ। रिया एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अगर देखा जाए तो सी वॉज द मेन प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली। रिया जब करीब 22 साल की थी तब से ही वो अपना किस्मत झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में अजमा रही थी। वो लगातार इंडस्ट्री में कोशिश कर रही थी काम के लिए एंड कुछ हद तक वो सफल भी रही थी। रिया कई सारे म्यूजिक एल्बम में काम कर चुकी थी, म्यूजिक वीडियोज में काम कर चुकी थी एंड कुछ ओरिजिनल टीवी शोज भी उसने कर रखे थे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो सी वॉज डूइंग फाइन इन हर करियर। उसे अब जाकर इंडस्ट्री में काम मिलने लगा था, लोग उसे जानने लगे थे। दिन प्रतिदिन उसका डिजिटल प्रेजेंस बढ़ते जा रहा था, मतलब काफी सारे वीडियोस में वो दिखने लगी थी, सोशल मीडिया पे ज्यादातर वो दिखने लगी थी एंड इसके वजह से रिया के चाहने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, वो काफी फेमस होते जा रही थी। फिर एक दिन काम के सिलसिले में रिया प्रकाश से मिलती है। प्रकाश एक फिल्म एंड म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूसर है। प्रकाश ने कई सारे म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस कर रखे हैं एंड कुछ ओरिजिनल फिल्म्स भी। अब रिया एंड प्रकाश का मिलना जुलना रेगुलर बेसिस पे शुरू हो गया था एंड देखते ही देखते बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। बट प्रकाश यहाँ पे दिमाग से प्यार कर रहा था, दिल से नहीं। आगे बताता हूँ कैसे। कुछ दिन बाद रिया एंड प्रकाश दोनों शादी कर लेते हैं एंड दे बोथ मूव्ड अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड फिर दोनों साथ में रहने लगे थे। एंड यहाँ पे जब प्रकाश ने रिया से शादी किया था तब उसने रिया से कुछ बातें क्लियरिफाई नहीं की थी, जैसे कि प्रकाश ऑलरेडी शादीशुदा है एंड उसके 3 बच्चे भी हैं। एंड बेचारी भोली रिया इस बात से बिल्कुल भी अनजान थी कि प्रकाश ऑलरेडी शादीशुदा है एंड उसके बच्चे भी हैं। रिया अपने जिंदगी में बिल्कुल खुश थी, उसे काम भी मिल रहा था, वो जो बनना चाह रही थी उसी के राह पर वो चल रही थी। तारीख थी 28 दिसंबर 2022। प्रकाश, रिया एंड अपनी 3 साल की बेटी के साथ रांची से कोलकाता जा रहा था कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए, ताकि अपनी अगली प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सके। एंड ये तीनों लोग रांची से कोलकाता वाया कार जा रहे थे। सुबह के करीब 6 बजे थे, डेस्टिनेशन अभी 50 किलोमीटर दूर ही था। प्रकाश गाड़ी रोकता है ताकि वो पेशाब कर सके एंड खुद को स्ट्रेच कर सके। एंड जैसे ही प्रकाश ने अपनी कार रोकी थी, ठीक प्रकाश के कार के पीछे एक और कार आके रुकती है। उस कार से 3 लोग निकलते हैं, सब के सब नकाब में थे। वो तीनों लोग प्रकाश को लूटने लगते हैं, उसका वॉलेट छीनने लगते हैं, उसका घड़ी छीनने लगते हैं। प्रकाश जोर से चिल्लाता है, फिर उसकी वाइफ रिया कार से बाहर निकलती है प्रकाश को बचाने के लिए। अब चारों पांचों लोगों के बीच झड़प हो रही थी, रिया प्रकाश को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में उन तीनों में से एक ने रिया के कनपट्टी पर गोली मार दी, रिया वहीं पे गिर जाती है। फिर वहां से वो सारे लोग तुरंत फरार हो जाते हैं। प्रकाश रोते हुए किसी भी तरीके से रिया को उठाकर कार में रखता है एंड कुछ दूर जाने पर वहां के लोकल लोगों की हेल्प से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। इधर प्रकाश का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। इतने में हॉस्पिटल वाले पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस तुरंत पहुंचती है, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है एंड कार को फॉरेंसिक के लिए एंड प्रकाश से पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के दौरान प्रकाश अपना स्टेटमेंट बार बार बदल रहा था एंड यहाँ पे पुलिस को शक हो रहा था प्रकाश पे। कभी प्रकाश बोलता कि वो टॉयलेट करने के लिए गाड़ी रोका था, तो कभी कुछ और बोलता। वो कॉन्टिन्यूसली अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा था। फिर पुलिस उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जो स्टोरी प्रकाश बता रहा था या फिर जिससे किसी और चीज पे पुलिस शक कर सके। रिया का खबर सुनते ही रिया के परिवार वाले कोलकाता पहुंचते हैं। अब पुलिस के पास दोनों रिपोर्ट्स थी, पोस्टमार्टम की भी एंड फॉरेंसिक की भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि रिया को गोली रात में मारी गई थी, ना कि सुबह में, एंड गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई थी। लेकिन रिया के बॉडी पे थोड़ा भी खरोच नहीं था, एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं था। लेकिन प्रकाश के स्टेटमेंट में रिया झड़प कर रही थी उन गुंडों के साथ एंड कार के फॉरेंसिक रिपोर्ट में गाड़ी के अंदर से गोली का खोखा मिला था, जबकि प्रकाश का बोलना था कि गोली गाड़ी के बाहर चलाई गई थी। तो फिर गोली का खोखा कार के अंदर कैसे आया, हाउ इट इज पॉसिबल? प्रकाश का हर एक स्टेटमेंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी था। रिया के फैमिली वाले आरोप लगाते हैं कि प्रकाश रिया को मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर करते रहता था एंड प्रकाश की पहली वाइफ भी उसे टॉर्चर किया करती थी। वेल, ऐसा रिया के परिवार वालों का कहना था। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगती है एंड एक बार फिर से प्रकाश से पूछताछ करती है, इस बार पुलिस की तरह, बिल्कुल रियल पुलिस। फिर सब कुछ सामने आ जाता है, पुलिस को पता चलता है कि एक स्टेज्ड मर्डर था। दरअसल प्रकाश के पिछले कई सारे
फिल्म में फ्लॉप हो चुके थे जिसके वजह से वो 30 लाख रुपए के कर्ज में आ चुका था। तो प्रकाश अपने भाई संदीप के साथ मिलकर रिया को मारने का प्लान बनाता है ताकि उसका इंश्योरेंस का पैसा उसे मिल सके, क्योंकि इंश्योरेंस के नॉमिनी में प्रकाश का ही नाम था। फिर दोनों भाई मिलकर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। रात में जब रिया गाड़ी में सो रही थी तब प्रकाश का भाई संदीप रिया के कनपट्टी में बिल्कुल जीरो रेंज से गोली मार दी एंड फिर पुलिस को प्रकाश ने बनी बनाई स्टोरी सुना दिया। प्रकाश ने गन का अरेंजमेंट मोहित नाम के एक लड़के से किया था। प्रकाश मोहित को फेसबुक पे अप्रोच करता है, फिर दोनों लोग मैसेंजर पे बातें करने लगते हैं एंड वहीं से गन वाली बातचीत भी शुरू हो गई थी। फिर प्रकाश मोहित से गन लेता है एंड प्लान को एग्जीक्यूट करता है। पुलिस तीनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है एक उभरती सितारा के कत्ल के इल्जाम में। वो भी कत्ल बस कुछ चंद पैसों के लिए किया गया था जिसका कोई और उपाय आसानी से निकाला जा सकता था। ये थी आज की केस स्टडी।